तो हम इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स कल ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस पर आ रहे हैं। तो क्वेश्चन वन इस तरह से है, इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मतलब है? तो कंटिन्यूस क्लोज्ड पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं और जिसके थ्रू करंट फ्लो होता है, उसे इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कंडक्टर्स होता है, मतलब वही मेटेलिक वायर, सेल होता है, स्विच होता है, और हमारा लोड होता है, मतलब रेजिस्टेंस होता है। तो मेन बात याद रखिए, इसमें क्लोज्ड पाथ होता है, ठीक है। अब SI यूनिट करंट, तो करंट की SI यूनिट एम्पेयर है, और कई बार आपसे 1 एम्पेयर की डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। जैसे करंट को हम I से डिनोट करते हैं, तो I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी होता है। तो अगर क्यू होगा हमारा 1 कूलाम, टाइम होगा 1 सेकेंड, तो उस केस में जो हमारा करंट है वो 1 एम्पेयर होगा। अब थर्ड क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 1 कूलाम्ब ऑफ चार्ज में कितने होंगे। तो अगर आप डायरेक्ट याद करना चाहें तो भी आपको मैं बता सकता हूँ कि जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 कूलाम्ब चार्ज में, वो होते हैं 6.25 × 10^18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जैसे एक फॉर्मूला होता है क्यू इक्वस टू एन इंटू ई, यहाँ पर इन्होंने उसको क्यू ई लिख रखा है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैपिटल क्यू इक्वस टू स्मॉल एन इंटू स्मॉल क्यू बेस में ई, कैपिटल क्यू यहाँ चार्ज है जो कि हमें 1 कूलाम दे रखा है, एन हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और स्मॉल क्यू बेस में ई जो है हमारा क्या है, हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। वैसे तो नेगेटिव होता है यहाँ पे, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लेंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज मान के चलेंगे हम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे कभी भी नेगेटिव में नहीं आएंगे, मतलब तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज तो नेगेटिव ही होता है। तो चार्ज हमने ले रखा है 1.6 × 10^-19 कूलाम। तो कैपिटल क्यू इक्वस टू स्मॉल एन इंटू क्यू बेस में ई, यहाँ से स्मॉल एन आ जाएगा कैपिटल क्यू अपॉन क्यू बेस में ई, कैपिटल क्यू हमारा 1 कूलाम है, और स्मॉल क्यू बेस में ई जो है हमारा द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो है 1.6 × 10^-19 कूलाम। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा 6.25 × 10^18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे हमारे 1 कूलाम ऑफ चार्ज में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डिवाइस बताना है जो मेंटेन करता है, मतलब मदद करता है मेंटेन करने में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। तो बैटरी होती है जिसमें एक और एक से ज़्यादा सेल है, वो डेफिनेशन होती है बैटरी की। तो बैटरी का काम है जो मदद करता है मेंटेन करने में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। अब हम कब कहेंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट्स के बीच में 1 वोल्ट होता है। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस का एक फार्मूला बताएं, क्योंकि हम पोटेंशियल डिफरेंस को वी से डिनोट करते हैं, और उसका जो फार्मूला होता है वो होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू है वर्क डन और क्यू है चार्ज। तो अगर हमारा वर्क डन 1 जूल होगा और क्यू हमारा 1 कूलाम होगा, वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू में डब्ल्यू हमारा 1 जूल होगा और क्यू हमारा 1 कूलाम होगा। तो डेफिनेशन इस तरह से हो जाएगी कि जब 1 जूल वर्क लगेगा किसी भी चार्ज को ले जाने में, मतलब किसी भी 1 कूलाम चार्ज को ले जाने में 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उस केस में हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट होगा। कितनी एनर्जी दी जाएगी हर कूलाम्ब ऑफ चार्ज को 6 वोल्ट बैटरी से पास होने के लिए, तो हमें बतानी है कितनी एनर्जी दी जाएगी। अब एनर्जी और वर्क डन एक ही होता है, क्योंकि जो एबिलिटी है इस वर्क डन की वो एनर्जी कहलाती है। अब जैसे यहाँ फॉर्मूला लगा वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, यहाँ से फॉर्मूला बन सकता है डब्ल्यू इक्वल्स टू वी इंटू क्यू। वी दे रखा है हमें क्वेश्चन में 6 वोल्ट, और चार्ज दे रखा है हमें 1 कूलाम, ईच कूलाम पढ़ लीजिए, तो वर्क डन हो गया 6 जूल। अब ये जो वर्क डन है यही हमारी एनर्जी है। अब किस फैक्टर पर रेजिस्टेंस कंडक्टर का डिपेंड करता है? तो रेजिस्टेंस 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक तो आपको याद होगा रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लेंथ के, तो लेंथ पर डिपेंड करेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था एरिया के, तो एरिया पर डिपेंड करेगा। बाकी 2 फैक्टर और हैं, एक टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और एक नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो लेंथ हो गई, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया कंडक्टर का, टेम्परेचर हो गया कंडक्टर का, और किस मटेरियल से बना है कंडक्टर उस पर भी डिपेंड करता है। अब हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि करंट फ्लो करेगा आसानी से थिक वायर से या थिन वायर से, मटेरियल सेम है दोनों का। सेम मटेरियल का मतलब या तो दोनों वायर कॉपर की होंगी या दोनों वायर एल्यूमिनियम की होंगी, जब वो कनेक्ट किया जाएगा सेम सोर्स से, और सोर्स भी सेम है। अब क्यों, और मतलब अगर किससे करेगी और क्यों करेगी? अब हमें कैसे भी अगर दोनों का रेजिस्टेंस पता चल जाए, थिक वायर का और थिन वायर का, तो उस हिसाब से हम बता सकते हैं, क्योंकि जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें से करंट ज़्यादा फ्लो होगा। तो बस रेजिस्टेंस पता करने की बात है।
अब रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो एल अपॉन ए। रो होता है रेजिस्टिविटी, क्योंकि मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। लेंथ की यहाँ कोई बात नहीं करी, क्योंकि बात है थिकनेस की। थिकनेस का मतलब एरिया की बात, क्योंकि एरिया ही वेरी करेगा थिकनेस की वजह से। अब क्या होगा, यहाँ से रो और एल जो है एक तरह से कांस्टेंट होंगे, रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के। अब थिक वायर का एरिया ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द थिन वायर। थिक मतलब मोटी वायर, थिन मतलब पतली वायर। तो थिक वायर क्या होगी, उसका एरिया ज़्यादा होगा। एरिया ज़्यादा का मतलब रेजिस्टेंस होगा कम, क्योंकि रो और एल कांस्टेंट है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाले रूल से। रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो रेजिस्टेंस जो है थिक वायर का कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होने की वजह से उसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगा। तो यही चीज़ इसमें एक्सप्लेन करी गई है। अब हमें बोल रहा है कि जो रेजिस्टेंस है थर्ड क्वेश्चन में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का कांस्टेंट रहता है, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ द कंपोनेंट हाफ हो जाता है फॉर्मर वैल्यू के। मतलब जितना है वी स्टार्टिंग में, बाद में जाके वो आधा हो जाता है, मतलब वी बाई टू हो जाता है। तो करंट पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो सिंपल सा ओम्स लॉस के अकॉर्डिंग हम जैसे हम बोलेंगे आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, इसको हम इक्वेशन वन मानेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में वोल्टेज हमें वी लेनी है, रेजिस्टेंस का कुछ हमें बोला नहीं, तो हम वो आर लेंगे। बाद में हमें बोल रहा था क्वेश्चन में कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है उसे आधा लेना है, मतलब न्यू पोटेंशियल को मान लो वी डैश, तो वी डैश जो होगा वी अपॉन टू होगा, और नया रेजिस्टेंस हमारा आर ही रहेगा, क्योंकि उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्वेश्चन में केवल जो वोल्टेज है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हाफ माना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर है, यहाँ पे एक इसको इक्वेशन मान लेंगे, इन्होंने मान नहीं रखा कोई बात नहीं, आप मान लेना। फिर आई डैश जो होगा मतलब जो चेंज इन करंट आएगा या न्यू करंट बोल सकते हैं, वो होगा वी डैश अपॉन आर डैश। वी डैश की जगह आएगा वी अपॉन टू गिवन कंडीशन से, आर डैश की जगह आर आएगा। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, वन अपॉन टू वी अपॉन आर, ठीक है। अब इन्होंने इसको वन अपॉन टू लिख रखा है इसके इक्वल, लेकिन ये वन अपॉन टू नहीं है, ये होगा आई अपॉन टू, क्योंकि वी अपॉन आर की जगह क्या आएगा इक्वेशन वन से जो मैंने आपको बोला था, मान लेना आई। तो आई डैश जो है हमारा आई अपॉन टू आएगा, इसका मतलब जो करंट है हमारा हाफ हो जाता है, ठीक है। अगर हम किसी के भी पोटेंशियल को हाफ करते हैं तो करंट भी क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। इससे हमने दिखा दिया, प्रूफ कर दिया। अब हमें बोल रहा है जो कॉयल्स होती हैं इलेक्ट्रिक टोस्टर की और इलेक्ट्रिक आयरन की, वो एलॉय से बनी होती हैं, प्योर मेटल से क्यों नहीं होती, क्योंकि जो एलॉय है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, प्योर मेटल के, हाई रेजिस्टिविटी की वजह से। और हाई टेम्परेचर पे एलॉय मेल्ट नहीं होते आसानी से, इसलिए एलॉय को इस्तेमाल किया जाता है हीटिंग अप्लाइंस में, जैसे टोस्टर्स में और इलेक्ट्रिक आयरन्स में। अब इस क्वेश्चन में हमें एक डायग्राम बनाना है सर्किट का, जिसमें तीन सेल हों 2 वोल्ट के, और तीन रेजिस्टर हैं 5 ओम 8 ओम और 12 ओम, और एक प्लग की है जिन सबको सीरीज में कनेक्ट करना है। तो आप ध्यान से देखिए इस डायग्राम में क्या है, तीन सेल लगा रखे हैं जहाँ पे 6 वोल्ट बैटरी है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर हमने 5 ओम 8 ओम और 12 ओम के रजिस्टर लगा रखे हैं सीरीज के अंदर। फिर आते हुए यहाँ पर एक प्लग की लगाई है, ठीक है, जिसके अंदर डॉट का निशान है, इसका मतलब क्लोज है, मतलब करंट फ्लो हो रहा है। अब 6 वोल्ट बैटरी के थ्रू जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ से करंट फ्लो होना चालू होता है, 5 ओम 8 ओम 12 ओम से होता हुआ, फिर स्विच से होता हुआ वापस हमारा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी में आ जाता है, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन वन में हमने सर्किट बनाया है जो आपको ऊपर दिख रहा है, अब इसमें क्या करो, एमीटर लगा दो, ठीक है, और एक वोल्ट मीटर लगा दो 12 ओम की तरफ। एम मीटर को तो सिंपल सीरीज में लगाने को बोल रहा है, और जो वोल्ट मीटर है वो 12 ओम में लगाना है, और बाद में फिर बतानी है रीडिंग क्या होगी एम मीटर और वोल्ट मीटर में, मतलब हमें करंट और वोल्टेज बतानी है। तो सर्किट पुराना वाला ही है, 6 वोल्ट बैटरी लगी हुई है, मतलब वही 2 वोल्ट के तीन सेल, 5 ओम 8 ओम 12 ओम रजिस्टर्स लगे हुए हैं सीरीज में। उसके बाद हमने बस एम मीटर को यहाँ पे सीरीज़ में लगा दिया, और जो हमें बोला गया है कि 12 ओम के अक्रॉस हमें क्या लगाना है, वोल्ट मीटर लगाना है। तो जहाँ पे हमने जो V1 लगा रखा है और नीचे A1 एम मीटर लगा रखा है, तो वोल्ट मीटर आपको पता है हमेशा पैरेलल में लगता है, और एम मीटर हमेशा सीरीज़ में लगता है। अब सबसे पहले हमने क्या करा, पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया, 5 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम, जो कि आएगा 25 ओम, ठीक है। वोल्टेज जो है हमें 6 वोल्ट दे रखी है, देख लीजिए आप। उसके बाद हमने टोटल सर्किट में करंट निकाल लिया आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर से, मतलब 6/25, क्योंकि वी है हमारा 6 और पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस है 25। यहाँ से हमारा 0.24 एम्पीयर हमारा करंट आ गया,
अब ध्यान से देखिए सर्किट में कि जो वोल्ट मीटर लगा है वो 12 ओम के अक्रॉस लगा है, ठीक है। अब हमें जो वोल्टेज है, क्योंकि करंट जो एमीटर में रीडिंग बतानी थी वो है 0.24 एम्पीयर, जो हम निकाल चुके हैं। अब हमें वोल्ट मीटर में जो रीडिंग मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी? 12 ओम के अक्रॉस। 12 ओम के अक्रॉस का मतलब है कि अब अगर मैं कहूँ सीरीज़ में करंट सेम रहता है तो जितना पूरे सर्किट में करंट होगा, मतलब 0.24 एम्पीयर, उतना ही करंट 12 ओम के अक्रॉस होगा। तो अगर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग भी इक्वल्स टू आई आर के अकॉर्डिंग, आई जो होगा वो हमारा 0.24 होगा, और रेजिस्टेंस जो हम लेंगे 12 लेंगे, क्योंकि हमें वोल्ट मीटर कहाँ लगा हुआ है? 12 ओम के अक्रॉस। तो वी इक्वल्स टू आई आर से 0.24 इंटू 12, 2.88 वोल्ट आ जाएगा वोल्ट मीटर की रीडिंग। अब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को जज करना है जब फॉलोइंग कनेक्ट हो पैरेलल में, ठीक है। एक ए पार्ट है और एक बी पार्ट है। ए पार्ट में क्या है, 1 ओम और 10^6 ओम को कनेक्ट किया गया है, दोनों पैरेलल में है, तो फॉर्मूला लग जाएगा 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, मतलब 1/R इक्वल्स टू 1/1 प्लस 1/10^6। अब ये नीचे एक स्टेप खा चुके हैं, तो आपको अगर डायरेक्ट मैं समझाना चाहूँ तो देख लीजिए। अब जैसे 1 और 10^6 है, इसका जो फॉर्मूला आएगा 10^6 आएगा, मतलब LCM जो आएगा, उसके बाद फिर ऊपर ऐसे बचेगा 10^6 प्लस 1/10^6। फिर जब 1/R की जगह हम रिवर्स करेंगे एक तरह से R/1, तो जो नीचे LCM वाला है 10^6 वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और बाकी बचा हुआ 1 प्लस 10^6 नीचे आ जाएगा। तो इन्होंने क्या लिख रखा है, 10^6/10^6। लेकिन अगर एग्जैक्टली बात करें, 10^6 प्लस 1 जो है वो ग्रेटर देन होगा 10^6 से, तो इन्होंने इसको नियरली इक्वल्स टू 1 ओम लिख रखा है। लेकिन आप अगर एग्जैक्टली बात करें तो इसका जो रेजिस्टेंस आएगा लेस देन 1 आएगा। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं कि न्यूमरेटर में अगर 1 है और डेनोमिनेटर में 2 है, तो वो हो गया 1/2, मतलब न्यूमरेटर लेस देन डेनोमिनेटर है। तो उस केस में क्या होता है, हमारा जो आंसर आता है वो लेस देन 1 आता है, क्योंकि 1/2 हो गया 0.5। लेकिन इसी तरह से मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि 3/2, तो 3/2 में वो होता है 1.5, तो न्यूमरेटर ग्रेटर देन डेनोमिनेटर है, तो उसकी जो वैल्यू आती है वो ग्रेटर देन 1 आती है। तो इस केस में क्या होगा, 10^6/1 प्लस 10^6, तो न्यूमरेटर कम होगा डेनोमिनेटर से, तो जो हमारा ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो लेस देन 1 आएगा। इसमें लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, इसके सेकेंड पार्ट में एग्जैक्टली एक्सप्लेन करा हुआ है। जैसे 1/R दे रखा है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सॉल्व करने के बाद जो लास्ट में R की वैल्यू आ रही है वो 1 के आगे 6 जीरो है अपॉन, फिर ये है 1000001। तो न्यूमरेटर लेस देन डेनोमिनेटर है, तो ये लेस देन 1 है, तो 0.999 ओम आएगा। ऊपर वाले केस में भी एग्जैक्टली इतना ही है, 0.999 ओम। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो लेस देन 1 ही आया है। अब एक इलेक्ट्रिक लैंप है 100 ओम, एक टोस्टर है 50 ओम और एक वाटर फिल्टर है 500 ओम, ये तीनों पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो तीन रेजिस्टेंस हैं, 100 ओम, 50 ओम, 500 ओम, ये तीनों पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो आपको पता ही चल गई होगी रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और एक ही सोर्स से कनेक्ट हैं 220 वोल्ट से। अब देख लीजिए, अब नीचे सर्किट भी बना हुआ है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करके दिखा रखा है हमने। अब रेजिस्टेंस क्या होगा इलेक्ट्रिक आयरन का, अब ध्यान से देखिए, एक दे रखा है लैंप, एक दे रखा है टोस्टर और एक दे रखा है वाटर फिल्टर, ये तीन चीज़ दे रखी हैं। और रेजिस्टेंस निकालना इलेक्ट्रिक आयरन का, जो कि इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए इलेक्ट्रिक आयरन का जो सेम सोर्स से कनेक्ट है, सेम सोर्स का मतलब वोल्टेज जो है 220 वोल्ट से ही वो कनेक्ट है, और इतना ही करंट ले रहा है जितने ये तीनों अप्लायंस ले रहे हैं, ठीक है। तो तीनों का करंट निकाल लेते हैं, उतना करंट इसका ले लेंगे और वोल्टेज हमारे पास 220 वोल्ट है ही, और हमारा रेजिस्टेंस निकल आएगा, मतलब R इक्वल टू V अपॉन I से, और करंट भी निकल आएगा। तो ये सर्किट आप देख लीजिए, सबसे पहले हम रेजिस्टेंस निकाल लें, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो सॉल्व करने के बाद जो भी LCM लेने के बाद 1/R की वैल्यू 16/500 आ जाएगी, फिर हम R की वैल्यू निकालेंगे तो रिवर्स हो जाएगा 500/16, तो इतना ओम आ गया हमारा रेजिस्टेंस। अब जो करंट निकलेगा हमारा V/R से निकलेगा, V आप देख लीजिए 220 वोल्ट है, रेजिस्टेंस 500/16 है, इसे सॉल्व करने के बाद करंट जो आएगा 7.04 एम्पीयर आएगा। तो पूरे सर्किट में क्या करंट आया, 7.04 एम्पीयर आया है। अब जितने भी अप्लाइंस क्या हैं वो पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो जो करंट होगा उनसे वो 7.04 एम्पीयर होगा। अब बात करी इलेक्ट्रिक आयरन की, अब क्योंकि करंट आ गया, अब दूसरी चीज़ पूछी थी रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V/I, याद रखना इलेक्ट्रिक आयरन से है।
अब आर होता है वी अपॉन आई, वी जो है हमारा 220 वोल्ट है और करंट हमने अभी ऊपर निकाला ये 7.04 एम्पीयर, इसको सॉल्व करने के बाद 31.25 ओम आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या एडवांटेज है कनेक्ट करना इलेक्ट्रिक अप्लाइंसिस को पैरेलल में बैटरी के साथ सीरीज़ में ना कर कर। तो जब इलेक्ट्रिक अप्लाइंस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो कोई भी डिवीज़न नहीं होता वोल्टेज का अप्लाइंसिस में। आपको याद होगा सीरीज़ में क्या होता था, करंट सेम रहता था और पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होता था, लेकिन पैरेलल में इसका उल्टा होता था, वहाँ पे क्या होता था पोटेंशियल सेम रहता था और करंट डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या है वो सेम नहीं है, यही चीज़ लिखी गई है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइस में इक्वल होता है सप्लाई वोल्टेज के। और हमें ये भी पता है कि जो पैरेलल कनेक्शन है डिवाइस का वो रिड्यूस करता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस को सर्किट के। अब हमारा क्वेश्चन है कि किस तरह हम तीन रेजिस्टर्स 2 ओम 3 ओम और 6 ओम को कनेक्ट करें कि टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम मिले और 1 ओम मिले। ये क्वेश्चन 2 साल पहले इसी तरह का आया था लेकिन वैल्यूज़ चेंज थी रेजिस्टर्स की। अब देखिए क्या कर रखा है इन्होंने, एक सर्किट बना रखा है सिंपल, एक वोल्टेज लगा रखी है मतलब सेल लगा रखा है। अब 3 ओम और 6 ओम को तो इन्होंने पैरेलल में कनेक्ट करा है और बाकी 2 ओम को सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 और 6 का निकाल लेंगे पैरेलल में। तो 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 से 1/R होगा 1/3 प्लस 1/6। ये सॉल्व करने के बाद जो भी है आप सिंपल एलसीएम वगैरह निकाल के आर की वैल्यू 2 ओम निकाल लेंगे। अब ये 3 और 6 ओम का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो सीरीज़ में होगा 2 ओम के साथ, ठीक है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आया है 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 से सॉल्व करके जो आर आया वो 2 ओम आया है, वो बचे हुए 2 ओम के साथ सीरीज़ में होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस 2+2 हमारा कितना आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। अब हमें लाना है 1 ओम। अब देखो 1 ओम क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो हमें पता है कि पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, मतलब डिक्रीज हो जाता है। तो 2, 3 और 6 से 1 छोटा ही है, इसका मतलब ये तीनों पैरेलल में ही कनेक्ट होंगे कि सेकंड वाले पार्ट में बी वाले में, कि हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम आ जाए। तो इस केस में हमने क्या करा, तीनों को ही यहाँ पे थोड़ा गलत दिखा रखा है डायग्राम में, 2 ओम 3 ओम और 6 ओम है, यहाँ पे 1, 2 और 6 दिखा रखा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से, तो 1/R होगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। सॉल्व करने के बाद जो आर की वैल्यू है 1 ओम आएगी। इन्होंने थोड़ा अलग तरीके से दिखा रखा है, बस आर इक्वल्स टू फॉर्मूला वही बनता है। अब हाईएस्ट और लोएस्ट रेजिस्टेंस क्या होगा चार रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन से। तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस जो हमेशा सीरीज़ में आता है, तो चारों को प्लस कर लीजिए, 4 + 8 + 12 + 24, तो 48 ओम हाईएस्ट आएगा सीरीज़ में। और जब ये चारों पैरेलल में होंगे 4, 8, 12 और 24, तब आएगा लोएस्ट रेजिस्टेंस। तो वही 1/R इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। सॉल्व करने के बाद जो आर की वैल्यू है हमारी आ जाएगी। अब हमें बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि जो कॉर्ड है इलेक्ट्रिक हीटर की वो ग्लो नहीं होती, लेकिन जो हीटिंग एलिमेंट है जिसमें से हीट निकलती है वो ग्लो कर जाता है, ऐसा क्यों है। क्योंकि जो हीटिंग एलिमेंट है वो एलॉय का बना होता है जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो करंट फ्लो करने के साथ हीटिंग एलिमेंट क्या होगा, हॉट हो जाएगा और रेड हो जाएगा। आपको याद ही होगा H=I²RT, ठीक है। H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I² करंट तो फ्लो कर रही है और बाकी रेजिस्टेंस भी, और टाइम के साथ भी वो हीट तो होगा ही, लेकिन कॉर्ड में क्या होता है लो रेजिस्टेंस होता है, इसलिए वो आसानी से ग्लो नहीं करता, क्योंकि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R भी होगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से। तो रेजिस्टेंस कम है तो हीट भी हमारी आसानी से अभी कम ही रहेगी। हीट जनरेट निकालनी है सेकेंड क्वेश्चन में, जो ट्रांसफ़र करेगी 9600 कूलम्ब ऑफ चार्ज को 1 घंटे में पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। तो अब गिवन क्या क्या है, जो चार्ज है हमारा कैपिटल क्यू वो 96,000 कूलम्ब है, टाइम दे रखा है 1 आवर, पोटेंशियल डिफरेंस है 50 वोल्ट। तो हमारा जो फॉर्मूला है H=VITV होता है, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखें इसमें H=50 × 26.6 × 3600, तो यहाँ पे H=VIT लगाया हुआ है डायरेक्ट। तो H=VIT में जो हमें क्वेश्चन में V दे रखा है वो 50 वोल्ट दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे H=50 ले लिया इंटू I को हमें निकालना पड़ेगा, ऊपर हमने निकाल के दिखा चुके हैं। तो I होता है हमारा Q/T, चार्ज जो है हमारा 96,000 कूलम्ब है, मतलब 96,000 कूलम्ब है, और जो टाइम है हमारा, क्योंकि टाइम हमें दे रखा है कितना, हमें दे रखा है 1 आवर, और 1 आवर में क्योंकि हमें सेकंड में करना पड़ेगा, तो 60 × 60 = 3600 सेकंड। तो यहाँ से I=9600/3600, तो हमारा करंट आ जाएगा 26.6 एम्पीयर, और
टाइम फिर हमने एच इक्वस टू वी आई टी में वोल्टेज को 50 ले लिया, आई को 26.66 एम्पेयर ले लिया जो ऊपर निकाल चुके हैं, और टाइम 3600 ले लिया। यहाँ से हमारी हीट आ जाएगी 4.8 × 10^6 जूल। अब सेकंड क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है 20 ओम, करंट 5 एम्पेयर और हीट निकालनी है 30 सेकंड के अंदर। तो डायरेक्ट एच इक्वस टू वी आई टी फॉर्मूला से वी हमें गिवन है, वी हमें गिवन नहीं है लेकिन हम वी हम निकाल सकते हैं वी इक्वस टू आई आर से। तो वी इक्वस टू आई आर क्या होगा, करंट है 5 एम्पेयर और रेजिस्टेंस है 20, 20 × 5 जो है वी हमारा 100 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, वी को 100 पुट कर रखा है, करंट हमें 5 एम्पेयर दे रखा है फिर, और टाइम दे रखा है 30। तो वी आई टी में 100 × 5 × 30 करके हमारी जो हीट की वैल्यू आएगी वो 1.5 × 10^4 जूल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या डिटरमाइन करता है रेट जिसमें एनर्जी डिलीवर्ड होती है करंट के, ठीक है। तो हमारा जो पावर है वो होता है एनर्जी अपॉन टाइम। तो रेट एट विच एनर्जी, रेट एट विच एनर्जी का मतलब है एनर्जी अपॉन टाइम, और एनर्जी अपॉन टाइम होता है पावर। तो ये हमारा जो आंसर है इसका वो इलेक्ट्रिक पावर है। सेकंड क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक मोटर है जो 5 एम्पेयर लेती है 220 वोल्ट लाइन से, तो पावर निकालनी है मोटर की और एनर्जी निकालनी है 2 घंटे में कितनी होगी। अब पावर का हमारा जो फॉर्मूला है वो होता है वी इंटू आई, वी दे रखा है 220 वोल्ट और आई दे रखा है 5 एम्पेयर। तो पावर होगा 220 × 5, 1100 वाट, मतलब 1100 वाट हो गए। उसके बाद एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम फॉर्मूला लगेगा। पावर हमने ऊपर निकाल रखी है 1100 वाट, इंटू टाइम जो है हमारा, टाइम को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि हमें बोल रहा था 2 घंटे, और 2 घंटे में होते हैं 7200 सेकंड। तो एनर्जी हो गया पावर इंटू टाइम का मतलब 1100 × 7200, तो यहाँ से हो गया 7.92 × 10^6 जूल।